Hello students, our next chapter is metals and non-metals. Every substance on this earth is made up of one or more elements. So what is element? Element is that substance which cannot be divided further into simpler units. जो हमारा water है that is made up of hydrogen and oxygen element. Nitrogen and oxygen gases are made up of elements of nitrogen and oxygen. Similarly, जो sugar है हमारी that is made up of basic three elements carbon, hydrogen and oxygen. So there are about 118 elements. Most of the elements are metals and the rest of the elements are non-metals. But there is another category of elements which show the properties of both metals as well as non-metals. So they are known as metalloids. It means अगर हम elements को divide करेंगे तो we have three categories. First is metals. Second is non-metals. And third one is metalloids. Now, अगर हम occurrence की बात करें metals की तो जो metals है they are found in free as well as in the combined state. But जो least reactive metals हैं like gold that exist in the free state. Why? Those metals which are highly reactive they are found in combined state like our aluminium ore, like our iron ki ore. तो ये क्या है combined state में मिलती है. But there are also another metals like copper, like silver. They exist in both. They exist in free state as well as is combined state because these elements are not neither highly reactive or nor unreactive. That's why those metals which are not reactive, those exist in a free as well as combined state. This is all about the introduction of the metals and non-metals. Hello students, our next topic is physical properties of metals and non-metal. So our first property is physical state. तो फिजिकल स्टेट्स में हम मेटल और नॉन मेटल का कंपैरिजन कर देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या है फिजिकल स्टेट्स में मेटल्स और नॉन मेटल में डिफरेंस. तो इनको आप डिफरेंस में भी लिख सकते हैं. बोलते जो हमारी मेटल्स हैं दीज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. दे हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ. इट मीन्स दैट दे कैन बियर दी हैवी लोड्स. वो हैवी लोड्स को कैरी कर सकते हैं जिसमें आप एग्जाम्पल बताएंगे आयरन है, जिंक है, एलुमिनियम है एक्सेट्रा. बट there is always some exceptions also. तो exception में आप बता दीजिए मर्करी के बारे में, सीजियम के बारे में, जो क्या है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है. नाउ इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स, अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो जो नॉन मेटल्स हैं दे आर सॉलिड एज वेल एज गैसियस एट रूम टेम्परेचर. मीन्स वो रूम टेम्परेचर पे गैस की फॉर्म में और हमें सॉलिड की फॉर्म में मिलेंगी. बट जो आवर ब्रोमीन है दैट इज द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. अगेन हेयर इज एक्सेप्शन. नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज मैलेबिलिटी. तो वट इज मैलेबिलिटी, पहले तो हम ये बताएंगे कि मैलेबिलिटी है क्या. बोलते इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. ये एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की थ्रू विच द मेटल्स कैन बी बीटन इन टू थिन शीट्स. जिसके थ्रू क्या है ये वो प्रॉपर्टी है कि मेटल्स को आप थिन थिन शीट्स में बीट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हैमर. फॉर एग्जांपल आवर गोल्ड, फॉर एग्जांपल आवर सिल्वर, फॉर एग्जांपल आवर एलुमिनियम. आप रैपिंग पर्पजेस के लिए एलुमिनियम को यूज़ करते हो. कैसे यूज़ करते हैं? फॉइल की फॉर्म में. तो उसको बीट करेंगे शीट्स में तभी तो आप उसको यूज़ करते हैं. वाई इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स हैं दे आर ब्रिटल. नॉन मेटल्स ब्रिटल होती हैं. जब आप उसको हैमर की हेल्प से बीट करते हो तो दे विल ब्रेक बिकॉज दे डोंट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मैलेबिलिटी. तो आप ये बोल सकते हो कि जो मेटल्स हैं दे आर मैलेबल वाइल नॉन मेटल्स आर नॉन मैलेबल. एक्सेप्शन इज ऑलवेज हियर. तो मैलेबिलिटी में आप बताएंगे जो आपका सोडियम है, जो आपका पोटाशियम है वो सॉफ्ट होते हैं जिसके कारण आप उसको मैलेबल नहीं कर सकते. उनको आप नाइफ की हेल्प से बहुत ईजिली कट कर सकते हैं.
Now the third example is ductility. Ductility is again the property of metals by which metals can be stretched into or drawn into thin wires. आप उनको वायर्स में चेंज कर सकते हैं. अगेन आपकी एग्जाम्पल है जिसमें आपका गोल्ड आ गया, प्लैटिनम आ गया, सिल्वर आ गया, तो इनको आप डक्टाइल, ये डक्टाइल इन नेचर होती है, हाईली डक्टाइल होती है. पर जो आपकी नॉन मेटल्स हैं वो डक्टाइल नहीं होती, उनको आप ड्रॉ नहीं कर सकते, उनको आप स्ट्रेच नहीं कर सकते इनटू दी व्हाट, इनटू दी वायर्स. तो दीज आर दी थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लस्टर. लस्टर है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी. जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं दे हैव शाइनी सरफेस. जो हमारी मेटल्स हैं उनका शाइनी सरफेस है, इट मींस कि उनको हम बहुत इजीली पॉलिश कर सकते हैं. तो दिस इज नोन एज मेटालिक लस्टर. इट इज़ दैट प्रॉपर्टी. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी एक्चुअली जो हमारी मेटल्स हैं दे आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी. आपको एग्जाम्पल्स पता है जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है. वाइल इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स दे आर डल इन नेचर. They cannot be polished. वो polish नहीं होती. It means वो luster को show नहीं करती है. जिसमें for example है phosphorus है आपका phosphorus है, sulfur है. These are the dull metals. But exceptions are always here. तो जो आपका graphite है और आपका जो iodine है, they show some luster to us. Now move on the next property. Next property is the hardness. अगर हम मेटल्स की बात करें, जो हमने पहले डिस्कस करा कि जो मेटल्स हैं दे आर जनरली हार्ड, तो जो मेटल्स हैं उनको आप बहुत ईजली कट नहीं कर सकते क्योंकि वो हार्ड है. बट जो हार्डनेस है दैट इज़ वेरी फ्रॉम मेटल टू मेटल. आपने फॉर एग्जांपल में पहले बताया है कि जो सोडियम है और पोटाशियम है वो एक्सेप्शंस है, वो सॉफ्ट इन नेचर है, इसलिए आप उनको नाइफ से बहुत ईजली कट कर सकते हो. तो एक्सेप्शन इज ऑलवेज हियर. सेकेंड है हमारी नॉन मेटल्स, उसकी ऑपोजिट जो हमारी मोस्ट ऑफ दी नॉन मेटल्स हैं दे आर सॉफ्ट. इट मीन्स आप उनको बहुत ईजली कट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल है हमारा सल्फर, फॉर एग्जाम्पल है हमारा फास्फोरस, जिनको आप स्मॉल पीसीज में कट कर सकते हो. बट देयर इज ए नॉन मेटल विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटांस. कौन सा है? डायमंड. जो डायमंड है उसको आप कट नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉलिडिटी. मीन्स जो हमारी मेटल्स हैं दे प्रोड्यूस सम रिंगिंग साउंड. आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में क्या है, आपकी बेल बजती है. बेल बजी तो क्या इंडिकेशन हुआ कि आपका जो लेक्चर है, आपका जो पीरियड है वो ऑफ हो गया. तो वो किसकी बनी है? मेटल की बनी है. मेटल्स क्या करती हैं? वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं जब वो हिट होती हैं किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ. फॉर एग्जांपल आपकी विंड चेन्स, आपकी बेल्स, ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? मेटल्स की हैं. तो वो सोनरस इन नेचर हो, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं, इसलिए सोनरस है. While in the case of non-metals, जो non-metals हैं they are dull. वो dull sound produce करेंगी जब वो hit करती हैं किसी भी object के साथ. So this is all about the property of sonorous. Hello students, our next property is electrical conductivity. Electrical conductivity. इलेक्ट्रिकल मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है जी. इट मीन्स कि जो मेटल्स हैं दे आर दी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए दीज आर यूज फॉर मेकिंग. आप इनको कहाँ यूज़ करते हो? दीज आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स. तो एग्जाम्पल बता दीजिए. एज यू नो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एलुमिनियम है, आयरन है, एक्सेट्रा. वाइल इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स, अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो दीज आर दी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट एक्सेप्शन इज ऑलवेज
गया। तो जो हमारा ग्रेफाइट है इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की थी, इसलिए हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिखा। सेकेंड है हमारी थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल मीन्स हीट, जब भी कहीं थर्मल आएगा दैट इंडिकेट्स कि हीटिंग की बात हो रही है। तो जो हमारी मेटल्स हैं दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके जी, तो देयर फॉर इसको आप कहाँ यूज करते हो, मेटल्स को हम यूज करते हैं फॉर द कुकिंग यूटेंसिल्स में। जो सिल्वर है, जो हमारी मेटल है सिल्वर, इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो कॉस्टली है इसलिए हम उसको यूटेंसिल्स में यूज नहीं करते और मेटल्स को कर लेते हैं, लाइक कॉपर है, लाइक अलूमिनियम है, लाइक आयरन है। इन द सेम वे जो हमारी नॉन मेटल्स हैं दीज आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बट एक्सेप्शन इज ऑलवेज हियर। जैसे आपने पहले बोला जो हमारा डायमंड है इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाउ दे विल आस्क ए क्वेश्चन फ्रॉम यू, गिव दी सम प्रॉपर्टीज ऑफ गिव सम प्रॉपर्टीज ऑन विच वी कैन डिफाइन कॉपर इज ए मेटल एंड सल्फर इज ए नॉन मेटल। तो आप क्या करेंगे, आप ये बताएंगे एक तरफ लीजिए कॉपर जो आपने बोला कि मेटल है, दूसरी तरफ लीजिए सल्फर जो आपने बोला नॉन मेटल है। तो बेटा जी अभी जो आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज करी है मेटल्स नॉन मेटल्स की, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, कितने पॉइंट्स उन्होंने आपसे पूछे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आप उन पॉइंट्स को राइट डाउन कर सकते हो। चले हम भी राइट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट हम बताएंगे जो कॉपर है दैट इज मैलेबल। इफ इट इज मैलेबल तो सल्फर क्या हुई, नॉन मैलेबल। कॉपर आपका क्या है, डक्टाइल। तो सल्फर आपका क्या है, नॉन डक्टाइल। कॉपर आपका क्या है, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर है ऑफ हीट। तो ये क्या है आपका, बैड कंडक्टर। तो ऐसे आप नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस करी वन बाय वन उनको शो कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल।